बलरामपुर जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने दो वर्ष पूर्व हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी की है जो आपस में रिश्तेदार हैं। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने बताया कि प्रेम प्रसंग की वजह से यह हत्या हुई थी, जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया था। दरअसल 16 नवंबर 2018 को पुलिस को बलरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पचावन में एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्ती गांव के ही 17 वर्षीय अंकित कुजूर के रूप में की गई थी और पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पुलिस की टीमें मृतक के संबंध में ग्रामीणों से पूछताछ में जुटी हुई थी। इसी दौरान मृतक अंकित के प्रेम प्रसंग के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता गया। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मृतक अंकित का प्रेम प्रसंग आरोपी राजकुमार उर्फ चौकी के साढ़ू की बेटी से था, जिसके चलते राजकुमार परेशान था और उसने अपने साले सारंगपुर निवासी शिव बालक उर्फ नटवा के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से 15 नवंबर 2018 को मृतक अंकित को अपने घर में बुलाकर शराब पिलाई और शराब में कीटनाशक मिला दिया था, जिसकी वजह से अंकित की मौत हो गई। जिसके बाद आरोपियों ने अंकित की लाश को गांव के ही सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने के उद्देश्य से ले जाकर रख दिया। बहरहाल पुलिस ने इस मामले को रेंज आईजी रतनलाल डांगी और एसीपी रामकृष्ण साहू के मार्गदर्शन व एडिशनल एसपी प्रशांत कथलम व एसडीओपी रामानुजगंज नितेश गौतम के निर्देशन में सुलझा लिया है। वहीं इस मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। अंधे कत्ल को 2020 में सुलझाने में सफलता हासिल की। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री महोदय के निर्देश पर गंभीर अपराधों की विवेचना गंभीरता से की जावे, इस तारतम्य में जो है इस अंधे कत्ल को सुलझाने का जो है प्रयास जारी था। इसमें हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से प्रशांत कतलाम, एसडीओपी श्री नितेश गौतम की पूरी टीम जो है लगातार इसमें कार्य कर रही थी और सुभेंदु की जी ने ज्वाइन करने के बाद इसमें अपनी विशेष रुचि दिखाई। इसको इस चुनौती को स्वीकार किया कि 2018 की जो केस है उसमें मैं आगे सफलता प्राप्त कर सकता हूँ और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने लगातार लगभग एक सप्ताह से इस पर मेहनत की और इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहा। इसमें दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, राजकुमार और शिवालक। ये दोनों जो है आपस में सगे संबंधी हैं। ये पूरी घटना जो है प्रेम प्रसंग को लेकर के जो है षड्यंत्र रचकर की गई है। जो राजकुमार है उसके रिलेशन में जो है नलका थी, वो उनके घर रहती थी, वहां पे इस आरोपी का आना जाना था। जैसे ही जानकारी जब उनको मिली तो उनके द्वारा आपराधिक षड्यंत्र किया गया और बुलाकर के कीटनाशक पदार्थ जो है का सेवन करा के उसकी हत्या की गई। उसके बाद उसको लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में ले जाके पहाड़ के पास फेंक दिया गया। और इसमें जो शिव बालक है उसकी भूमिका सहयोगी भूमिका रही है। उनका मोटरसाइकिल यूज हुआ, मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। इस तरीके से अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में बलरामपुर पुलिस सफल रही है। मैं पुनः पूरी टीम को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया। कीटनाशक को किस चीज में मिलाकर उन्होंने लाया था सर? उन्होंने शराब में जो है जो कीटनाशक है वो शराब के साथ मिलाकर के जो पिलाया गया था, शराब पिलाने के बहाने उनको बुलाया गया था और फिर कीटनाशक जो है उसमें पिला करके उस पर हत्या की गई। प्रथम दृष्टिया जो है जब मर कायम की गई थी 2018 में नवंबर में, उस समय भी ये बातें आ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कीटनाशक का उपयोग हुआ है, हत्या का अपराध तो दर्ज कर लिया गया था किंतु उसमें सफलता मिल नहीं पाई थी और पुलिस ने इस 2 साल बाद लगभग जो है इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। ये बहुत ही जो है एक सराहनीय कदम है और मैं पूरी पुलिस टीम को जो है सर उनका कुछ पुराना रिकॉर्ड भी है क्या अपराधी गतिविधि हुई?
ऐसी जानकारी में नहीं है, पर इस संबंध में जो है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और यदि कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो उसको संलग्न भी कर दिया जाएगा। सर एक नए साल से बात दीजिए। बलरामपुर से आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।